नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपको स्वागत है। मैं हिना खान। आइए चलते हैं आज के समाचारों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। आज देश भर में भाजपा बाइक रैली निकाल रही है। बरेली में भी आज भाजपा ने बाइक रैली निकाली। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने मनोरंजन सदन पहुंचकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। संकल्प बाइक रैली में सभी विधायक, आंवला सांसद समेत मेयर उमेश गौतम समेत भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। रैली को केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि वास्तव में देश आज पीएम मोदी के नेतृत्व में काफी खुश है। उन्होंने कहा कि रैली में अपार भीड़ देखकर यह साफ है कि भाजपा कार्यकर्ता काफी खुश हैं और लोग एक बार फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने अभिनंदन की वापसी पर कहा कि उनका स्वागत है, लेकिन सारी दुनिया पाकिस्तान को जान गई है। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने बताया, इस बात का प्रदर्शन करता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। पूरे देश के अंदर ये एक जन जागरण और देश भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ है, ये इस बात को प्रदर्शित करता है। ये चुनाव के प्रति हमारी सक्रियता है, जागरूकता, ये इस बात को प्रदर्शित करता है। अभिनंदन की कल वतन वापसी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? स्वागत है। बहरहाल देशवासियों को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको समझ में आ गया है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश किस प्रकार के। रैली में जाने के लिए पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को दी गई तेल पड़वाने के लिए पर्चियां, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए मारामारी। रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को अपनी बाइक में पेट्रोल पड़वाने के लिए 100 रुपए की पर्ची दी गई, जिसको लेकर पेट्रोल पंपों पर रैली के समय काफी मारामारी रही। यूपी बोर्ड की परीक्षा समाप्त, सीबीएसई बोर्ड की शुरू। आज यूपी बोर्ड के इंटर व हाई स्कूल कक्षाओं का आखिरी पेपर था। आज यूपी बोर्ड की परीक्षा आखिरी पेपर के साथ खत्म हो गई है। वहीं सीबीएसई इंटरमीडिएट व हाई स्कूल की परीक्षा का अंग्रेजी के पेपर के साथ शुरुआत हो गई, जिसको लेकर जहां यूपी बोर्ड के छात्रों में परीक्षा समाप्त होने पर खुशी की लहर है, तो वहीं सीबीएसई की परीक्षा का पहला अंग्रेजी की परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों के चेहरे प्रश्न पत्र देखकर खिले नजर आए। इस बीच सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा देकर लौट रही छात्र छात्राओं ने बताया, किशन कुमार सिंह है, मेरा पेपर बहुत अच्छा रहा है और आगे भी मेरे पेपर ऐसे ही होंगे मैं आशा करता हूं। रुशल, कैसा हुआ पेपर, काय का पेपर था? आज इंग्लिश का पेपर था, मेरा पेपर बहुत ही अच्छा हुआ। किस तरह का पेपर आया है? पेपर इजी भी था और थोड़ा सा टफ भी था और टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बाकी पेपर बहुत अच्छा हुआ। सिद्धि अंगार, बेटा किस तरह का पेपर आया, कैसा था? बहुत ही इजी पेपर आया था, बट थोड़ा लेंदी था, बट पूरा हो गया था मेरा पेपर, इजी था। कैसा पेपर आया? बहुत ही अच्छा पेपर था, सिंपल था, थोड़ा लेंदी था लेकिन हो गया, काफी सिंपल था। इजी पेपर था, पिछली बार के मुकाबले इस बार का पेपर इजी है। काफी पेपर था, उसको लेकर तैयारी जी, पूरी तैयारी थी और पेपर बहुत अच्छा था, 100% की थी, लेकिन बहुत बढ़िया पेपर गया, लेकिन टाइम कम मिला इसकी वजह से नहीं कर पाए। चल, किस तरह का पेपर आया और कैसा? पेपर बहुत अच्छा था, ज्यादा टफ भी नहीं था और बहुत अच्छा हुआ। जिला अस्पताल ने शुरू की हेल्थ मोबाइल वैन सेवा, सीएमओ ने झंडी दिखाकर किया रवाना। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए कई जिलों में हेल्थ मोबाइल वैन की शुरुआत की है, जिसके चलते बरेली शहर को भी 4 मोबाइल वैनों की सौगात मिली है। इन वैनों में डॉक्टर की टीम, नर्स समेत पैथोलॉजी लैब व स्टाफ व उसकी सारी सुविधाएं मौजूद रहेंगी।
इन वैनों को दूर दराज के गाँव में भेजा जाएगा, वहां जाकर यह मरीजों को बेहतरीन सुविधा देंगी जिसमें फास्ट एंड आदि शामिल होगा। अगर मरीजों को हालत ज्यादा गंभीर होगी तो उसे इनके सहारे अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। शनिवार को मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने विधि विधान से पूजा करने के साथ नारियल फोड़कर व फीता काटकर वैनों को गांवों के लिए रवाना कर दिया। विषय में आप लोग जानते हैं या कुछ जी अभी बात करेंगे हम आपसे। पकड़ लीजिए आप, लेकिन पहले भी अंदर आते तो हूँ, पहले भी अंदर जाके देख चुका हूँ। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया, मेडिकल मोबाइल वैन है। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारे चिकित्सालय नहीं हैं और जहाँ से चिकित्सालय की दूरी बहुत अधिक है और चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करना जहाँ के निवासियों के लिए कठिन है, ऐसे गाँवों में ये मेडिकल मोबाइल यूनिट जाएगी और वहीं पर एक तरीके से अस्थायी चिकित्सालय बनाकर वहाँ पर रोगियों का उपचार करेगी। इसमें डॉक्टर जाएंगे, हमारे एक लैब टेक्नीशियन हैं, फार्मासिस्ट हैं, स्टाफ नर्स हैं और इसमें पैथोलॉजी की कुछ सामान्य जांचों की भी सुविधा है। तो ये वहाँ जाके चिकित्सालय की तरह ही कार्य करेंगे और रोगियों का उपचार वहीं पे करेंगे। इसका कोई शुल्क भी लेंगे कि या फ्री ऑफ कॉस्ट है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी समस्त, मैं एक बार पुनः कहना चाहूँगा, समस्त सरकारी चिकित्सा सेवाएँ निःशुल्क हैं। अपहरत बेटे के लिए धरने पर बैठे सचिन के पिता व बिगड़ी हालत। बताया चली कि सुभाष नगर में रहने वाले डोरीलाल कश्यप का 4 वर्षीय बेटा सचिन घर से खेलते समय अगवा हो गया था। उन्होंने अपने बेटे की गुमशुदगी की थाना सुभाष नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस अभी तक उनके बेटे का सुराग नहीं लगा पाई है, जिसको लेकर वह दामोदर पार्क में अपनी पत्नी के साथ धरना दे रहे हैं। इस बीच पति पत्नी की हालत बिगड़ गई। इस बारे में जानकारी देते हुए सर्व समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाफिज फैजान रजा ने दुख जाहिर करते हुए बताया, भैया की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है डोरीलाल जी की, जिसमें रात 2 बार गिर भी चुके और इस टाइम इतनी बोलने की तक स्थिति में नहीं है। और ये लापरवाही हमारे पुलिस कर्मियों की है कि आज 3रा दिन है कोई पुलिसकर्मी कोई पूछने तक नहीं आया। फर्स्ट दिन कोतवाल साहब जरूर पूछ के गए थे, नाम लिख कर के गए, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब समय हो गया छोटे से ब्रेक का। इन इंडिया मोर देन 1.5 करोड़ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम पार्शियल और टोटल ब्लाइंडनेस। Dr. M. S. Basu, a renowned eye specialist who is successfully treating eye diseases with the ancient wisdom of Ayurveda. Retina-related problems, drying of eye nerves, which had been considered incurable, are successfully being treated by Dr. M. S. Basu. Several cataract patients have got their vision back without any surgery. An experience of more than 35 years, continuous research and endeavor have earned a remarkable name for Dr. M. S. Basu. Outcome of this hard work is Isotene eye drops, which has got wonderful results and has been awarded with the Ayurvedic Premium Mark. Under the leadership of Dr. M. S. Basu and his son, Dr. Mandeep Basu, Dr. M. S. Basu Super Speciality Ayurvedic Eye Hospital has started a movement to eradicate blindness from human race. Thousands of patients coming from all over the world for their eye treatment are living examples of it. Jis prakar se दुनिया को पोलियो से मुक्त किया गया है, उसी प्रकार से मेरा सपना है कि दुनिया को अंधता से मुक्ति दिलाई जा सके। हमारा उद्देश्य यह है, जो ईश्वर ने हमको इतनी बड़ी चीज़ दी है तो उसको हम चाहते हैं कि उसको प्रोपार करते हुए दुनिया को उसका लाभ पहुँचाएँ।
For these extraordinary achievements, Dr. M.S. Basu has been proclaimed with several prestigious awards. Dr. M.S. Basu has given a light of hope in thousands of eyes. रक्षपाल बहादुर संस्थान समूह की अधिशासी अध्यक्षा श्रीमती वीना माथुर के अथक प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ डीआर हॉस्पिटल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल डीआर अस्पताल डीआर अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा विभाग हैं मेडिसिन जनरल सर्जरी दूरबीन विधि सर्जरी स्त्री रोग बाल रोग अस्थि रोग क्रिटिकल केयर नेत्र रोग डेंटल सर्जरी 24 घंटे दवाखाना 24 घंटे इमरजेंसी डिजिटल एक्सरे ईसीजी सामान्य प्रसव ऑपरेशन द्वारा प्रसव के विशेष पैकेज पैथोलॉजी अस्पताल में आधुनिक मशीनों द्वारा विभिन्न जांचें भी की जाती हैं। RBMI कैंपस बदायूं रोड बुखारा कांधरपुर रोड फरीदपुर बाईपास बरेली 24 घंटे आपातकालीन मोबाइल नंबर 8475000844। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। चलती ट्रेन से बुजुर्ग को फेंका, इलाज के दौरान मौत। फरीदपुर के केना नदी गांव निवासी 55 वर्षीय सिपट्टा सिंह 15 फरवरी को शयानपुर से शादी में शामिल होने गए थे। इस बीच वह ट्रेन से वापस लौट कर आ रहे थे। ट्रेन से आते समय अज्ञात लोगों ने विलपुर स्थित के पास चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। गिरने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस बारे में जानकारी देते हुए मृतक के परिजनों ने बताया। क्या नाम है आपका? महावीर। महावीर, सिपट्टा साहब क्या हुआ था, कैसे खत्म हुए? ट्रेन से गिर पड़े, किसी ने धक्का दे दिया। कहाँ से कहाँ आ रहे थे ये? ये शाहजहांपुर से पीतांबरपुर आ रहे थे। तभी किसी ने धक्का किसी को विलपुर से और किसी को दे दिया। इनका कहीं इलाज वगैरह चल रहा था क्या? जी सिद्धिविनायक मेला चला था इनका। कब खत्म हुए? आज रात खत्म हुए। मिस्टर मिस मिसेस बरेली 2019 प्रतियोगिता का आयोजन के लिए हुए ऑडिशन। शनिवार को शहनाई बरातघर में पैलिनेट ग्रुप एवं ऑल इंडिया रियल फॉर कल्चर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में मिस्टर मिस मिसेस के लिए ऑडिशन हुए, जिसमें शहर के युवक युवतियों व महिलाओं ने हिस्सा लिया। वहीं कैंट वॉक करती हुई महिलाएं युवतियों ने अपने जलवे बिखेरे। मौके पर संस्था के पदाधिकारी रजनीश सक्सेना ने बताया। ऑडिशन राउंड है,
जिसमें जितने कलियर वार्ड कॉलेज में 20 के करीब प्रतिभागी आज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसके अलावा जो हमारी अगली ऑडिशन डेट है वो 13 मार्च है, जिसमें उम्मीद है बरेली के जितने कॉलेज हैं उन कॉलेजों के बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे। इस आयोजन में हमारे साथ हमारे डायरेक्टर हैं विक्रम राव जी, और सह डायरेक्टर के रूप में रोहित राकेश जी उपस्थित हैं हमारे बीच। और इस आयोजन का उद्देश्य ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम इसके माध्यम से हम बेटियों उनकी माँ को और मैं मानता हूँ फीमेल परिवारों के लिए एक हम लोग का ये आयोजन एक अपने आप में वरदान साबित होगा उनके लिए। जो टैलेंट यहाँ से निकल के आ रहे हैं उनको हम प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे ले आने का प्रयास करेंगे इस मंच के माध्यम से। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए निर्देशक विक्रम राव ने बताया, इसमें जैसे मेन जो जज होंगे वो 5 जज होंगे, उसमें जैसे एक मिसेस कैटेगरी के लिए मिसेस एशिया आ रही हैं और मिसेस यूपी भी आएंगे यहाँ पे जजमेंट के लिए, और स्पेशल गेस्ट में एक बॉलीवुड स्टार हैं दिव्या नथावत, वो भी एज अ मुख्य अतिथि के रूप में या शो स्टॉपर के रूप में वो भी आ रही हैं। ऑडिशन देने आई युवती व महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, मेरा ये एम है कि मैं मॉडल बनूं एक्ट्रेस बनूं, इस वजह से मैं यहाँ अपना पार्टिसिपेट करने आई हूँ। इससे पहले भी कहीं? हाँ, मैं झुमका क्वीन में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, क्या उसमें भी यही चॉइस थी, रैम करना था, टैलेंट राउंड था और क्वेश्चन राउंड था। मेरा नाम फराह है और मैं यहाँ मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट में आई हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए, और यही होप है कि मुझे अगर इसमें चांस मिलता है तो मैं आगे भी बढ़ना चाहूँगी, और ये एक बहुत अच्छा राउंड वो है प्लेटफॉर्म है, अगर मुझे मिलता है तो मैं अपना बेस्ट दूंगी। सगीर मेमोरियल पब्लिक स्कूल मनाएगा 3 दिवसीय वार्षिक महोत्सव। शनिवार को सगीर मेमोरियल पब्लिक स्कूल के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें आगामी 3 मार्च से 5 मार्च तक चलते वाले स्कूल के वार्षिक उत्सव के बारे में जानकारी दी, जिसमें 3 तारीख को मेले का आयोजन किया जाएगा जिसके मुख्य अतिथि महापौर डॉक्टर उमेश गौतम रहेंगे। इसकी जानकारी देते हुए स्कूल के पदाधिकारियों ने बताया, और ये हमारा कार्यक्रम कई वर्षों चल रहा है, विद्यालय जो है 28 वर्षों चल रहा है, तमाम बच्चे निकल के कुछ वकील भी बने हैं हमारे स्कूल के, और कुछ अच्छी अच्छी जगह पर नौकरी भी कर रहे हैं। शिक्षा के नंबर 1 पर हमारा स्कूल आता है हिंदी मीडियम से। दूसरी बात जो कि हर साल जो भाषी महोत्सव करते हैं तो हमारे सामाजिक लोग कार्यकर्ता जो कमेटी के लोग हैं या गाँव के सकारपुर चौधरी के लोग हैं फैदापुर चौधरी के लोग हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं लगन भी करते हैं हमारे साथ में ही रहते हैं, और अब की मैं उन लोगों ने हमारा साथ दिया तो हमने थोड़ा सा मेला का भी आयोजन किया, और जो बाहर से कलाकार मिलवाए जैसे कि कब्बाल साहब हैं मुरादाबाद संभल से आ रहे हैं, और नाजिम वसीम भी मुरादाबाद नाजिम वसीम जैन मुरादाबाद से आ रहे हैं जो कॉमेडी हैं, और उसके बाद में जादूगर सम्राट हैं, कुछ मॉडल हैं, कुछ सिंगर हैं, ऑर्केस्ट्रा है, म्यूजिकल नाइट है, तमाम चीज़ें हैं, और मेले में झूले भी हैं लगा हुए। नहीं, जादूगर आपका जो आएगा क्या वो निःशुल्क रहेगा या अपना सारे काम निःशुल्क हैं, केवल झूला छोड़ के और खाने पीछे सारे काम निःशुल्क हैं, चाहे आपका जादूगर वो निःशुल्क है, कब्बाली मुकाबला निःशुल्क है, जो नाजिम वसीम जाना निःशुल्क है, और शेख चिल्ली आ रहा है वो भी निःशुल्क है। ये तमाम चीज़ें इस मेले में आ रही हैं सर 3, 4, 5 मार्च को, और तमाम हमारे जिला बरेली के पदाधिकारी और दिल्ली से हमारे संजय सिंह भी आ रहे हैं राजभवन सांसद आम आदमी पार्टी के, और उमेश गौतम जी भी हैं, अरुण कुमार जी भी हैं, और हमारे अतुल रहमान साहब भी हैं। मरीज को देखने जा रहे शिक्षक की बाइक को मारी अज्ञात वाहन ने टक्कर, इलाज के दौरान मौत, पत्नी व बेटा गंभीर रूप से घायल। थाना शेरगढ़ के गहलुया गांव निवासी 35 वर्षीय यशपाल पुत्र बद्रीनाथ गांव में ही स्कूल चलाते थे। दो दिन पहले वह अपनी पत्नी विनीता व 3 साल के बेटे विष्णु को लेकर भोजीपुरा के प्राइवेट अस्पताल में मरीज को देखने जा रहे थे। इस बीच भोजीपुरा पुल पर उन्हें अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह उनकी पत्नी व उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी और बेटे की हालत नाजुक बनी हुई है। इस बारे में जानकारी देते हुए मृतक के परिजनों ने बताया, ये भोजीपुरा मतलब ब्रेक पे हुआ है। ये कैसे थे, कौन कौन था इनके साथ में? ये बाइक से थे, इनकी बाइक थी, लड़का था। किसी को देखने आ रहे थे मरीज को? ये महिला को यहीं आए थे भोजीपुरा, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ इनका। जिले के 9 विधानसभा में बनने वाली सड़कों के लिए किया शिलान्यास। आचार संहिता लगने से पहले सरकार अपने छूटे हुए कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए वचनबद्ध है, जिसके चलते बरेली जिले की 9 विधानसभा में बनने वाली सड़कों को लेकर सर्किट हाउस में उसका शिलान्यास किया गया। इस मौके पर भोजीपुरा विधायक भौरन लाल, शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, बहेड़ी विधानसभा के डॉक्टर छत्रपाल गंगवार, मीरगंज विधायक डॉक्टर वीसी वर्मा ने अपने अपने क्षेत्र की सड़कों का शिलान्यास किया। ये
पुलिस ने पकड़े 3 बदमाश। शनिवार को पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि 2 मार्च को शील चौराहे पर मोबाइल चोरी करने वाले 3 लड़कों को पुलिस द्वारा रोके जाने पर वह भागने लगे। इस बीच पुलिस ने घेराबंदी करके 3 को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से चोरी का मोबाइल व 1 स्प्लेंडर बाइक बरामद की गई है। पकड़े गए युवकों ने अपना नाम सचिन चौधरी निवासी तिलक कॉलोनी सुभाष नगर यशराज सौरभ बताया है। इस बारे में जानकारी देते हुए सीओ सेकंड ने बताया, थाना प्रेम नगर क्षेत्र के अंतर्गत 1 तारीख को 2 मोबाइल लूट की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर 2 मुकदमे वहाँ पंजीकृत हुए थे। उसी के आधार पर उसी के क्रम में हमने अपने मुखबिरों को लगाया, बाकी सूचना के आधार पर मुखबिर की सूचना के आधार पर शील चौराहे पर जब पुलिस चेकिंग कर रही थी तो बाइक पर 2 लड़के मिले, उनकी चेकिंग की गई, बाइक संदिग्ध पाई गई, उनके पास मोबाइल मिले, पूछताछ की गई तो मोबाइल वही थे जो कि लूट के थे। उसी आधार पर उनके खिलाफ जो मुकदमा लिखा गया था उसी आधार पर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही जो भी की जा रही है उनको आगे जो भी आवश्यक कार्यवाही उसमें की जाएगी। अब तक मैडम उन्होंने कितनी लूटें की हैं, अब तक कितनी बार जेल जा चुके हैं, इससे पहले भी जेल जा चुके हैं? अभी तक उनका बाकी अपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, ये तो सिर्फ जो हमारे मुकदमे पंजीकृत थे उसी के आधार पर उनको जेल भेजा। 38 कन्याओं का विवाह कराएगा साई सेवा ट्रस्ट। शनिवार को श्री शिरडी साई सेवा ट्रस्ट ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस बीच उन्होंने बताया कि इस बार 3 मार्च को ट्रस्ट 38 निर्धन कन्याओं का विवाह संपन्न कराएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए श्री शिरडी साई सेवा ट्रस्ट के पंडित श्रील पाठक ने बताया, 39 निर्धन परिवार की बेटियों का विवाह 3 मार्च 2019 यानी कल शिरडी साई सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कराया जा रहा है, जिसमें सभी बच्चियों को 35,000 रुपये नगद 10,000 का सामान शासन की तरफ से देना है। उसमें हमारे पास जो अपर नगर आयुक्त महोदय ने कई दिन पहले हमसे कहा था कि CDO साहब ने कहा है कि सामान यूपी हैंडलूम से लेना है, कल जब हमने यूपी हैंडलूम से परसों रेट पूछे तो उन्होंने उन रेटों में इतना अंतर है बाजार में उसमें कि उसमें 3,000 रुपये ज़्यादा हैं बाजार से। तो जिन बच्चों को गरीबों को सामान मिल रहा है उसमें 3,000 रुपये का सामान अतिरिक्त मिल सकता है यदि हम बाजार से खरीद के दें, और हमने इसीलिए सारा सामान बाजार से परचेजिंग किया है, हम वहाँ से नहीं ले रहे हैं। और जो कल सभी को दिया जाएगा, इसके अलावा जो भी विवाह होंगे वो मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत सभी के फार्म सब इलाकों में हमने उपलब्ध करा दिए और उनकी जाँच के लिए और दे दिए, बाकी उनके विवाह कल कराए जाएंगे। अब एक विशेष सूचना, खबर देखने के लिए अपने यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबर देने के लिए हमारे संपर्क करें 4 नंबर 8954961313। ये हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल डीडीपुरम बरेली। समाचार सत्र यहीं खत्म होता है, अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।